करनी है, क्या चीज कि हमें कैसे अपने आप को इसमें डिजाइन करना है, क्या चीज इसके बैकड्रॉप हो। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, काफी टफ नहीं है, बस सिंपल है। ठीक है, अब सेम जैसे कि मैंने आपको बैकड्रॉप में बताया, वही बिल्कुल सेम आपको स्प्राइट यानी कि जो करेक्टर भी बोलते हैं स्प्राइट को, वैसे उसमें भी करना है। बस सिंपल सा क्या करना है कि जो भी आपने करेक्टर जैसे चूज करने हैं इस गेम के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई चूज कर ली। ठीक है, बटरफ्लाई अभी आ जाएगी इसमें, तो क्या होगा कि उस बटरफ्लाई क्या आई थिंक एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जस्ट आ गई बटरफ्लाई आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बटरफ्लाई आ गई। देखो अगर मुझे बटरफ्लाई को इसको फ्लाई कराना है तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बस जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, व्हेन फ्लैग क्लिक, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या चूज करूंगा यहाँ पे फॉर एवर। ठीक है, ध्यान से देखना आप। उसके बाद मैं क्या करूंगा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एंड देन ठीक है। तो देखो देखो तो ऐसे करके क्या है कि मैंने क्या किया, बस एक कमांड दिया है किसको, अपने स्प्राइट को, और ये मेरा कमांड फॉलो हो रहा है और उसके हिसाब से मेरा इंस्ट्रक्शन ये कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने कैसे करा, कुछ नहीं, मैं सिंपल बस कमांड यूज करें यहाँ पे ब्लॉक्स में, और वो मेरी जो भी ये बटरफ्लाई है, ठीक है, वो इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि हमें कैसे स्प्राइट करेक्टर लेने हैं। बस एक चीज हमें ध्यान देना है कि गूगल क्रोम से हम जो भी अभी अपना जो भी हम अपना डाउनलोड करेंगे, तो एक तो पहले फर्स्ट टास्क इसकी हम उसको कैसे करेंगे, पीएनजी इमेज होनी चाहिए। बट पीएनजी इमेज में क्या होता है कि आप पीछे का बैकड्रॉप आ जाता है, तो सिंपल आप सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, और इसके प्रीवियस मैंने काफी वीडियो बना के मतलब रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आप वहां से देख के भी इसको सीख सकते हो। बस हमें क्या करना है, हमेशा जो भी बैकड्रॉप चूज करने हैं गूगल क्रोम में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के होने चाहिए विद पीएनजी। देखो इसी को मैंने क्या कन्वर्ट करा हुआ सर किसमें, हाँ यस सर ये रिकॉर्डिंग बताइए। मिलेंगी कहाँ से सर? वो जो पुराने रिकॉर्डिंग है सर ये आपको शिवम सर शेयर कर देंगे, ठीक है, और आज मैं सारी रिकॉर्डिंग सर के पास शेयर कर देंगे, तो आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, ओके, नाइस। ठीक है। तो देखो यही सेम चीज क्या है कि देखो अगर मैं इस चीज में कोई भी कमांड लगाऊंगा, देखना ध्यान से देखना, इस चीज में देखो, इस वाले में देखो क्या, तो ये पूरा देखो देखो पूरा होके जा रहा है। बट क्या हम ऐसे गेम में रखते हैं क्या, हमें गेम में तो जो भी कैरेक्टर होता है मेरा पूरा क्या होगा उसमें, मुझे बैकड्रॉप नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या लेना है उसमें पूरा उसको विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। देखो अब क्या होगा अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से कमांड ले रहा हूँ क्या, देखो मैं लेता हूँ यहाँ से टर्न 15 डिग्री, और मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को और इस चीज को देखना आप, तो देखो मैं अभी सारे ये कमांड सारे समझा देता हूँ आपको। देखो अब क्या होगा, ये एक सिंगल टर्न स्ट्रेस में जाके सिंगल पोजिशन में जाके टर्न करने लगेगा। देखो ये क्या हुआ, और सिंपल अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये भी देखो सेम सेम, यानी कि हम एक अपने कमांड से काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे मतलब यही टास्क था कि सबसे पहले ध्यान रखना कि जो भी हम गूगल क्रोम से स्प्राइट को डाउनलोड करेंगे वो हमेशा क्लियर बैकड्रॉप की होनी चाहिए। ओके फाइन, ठीक है, चलो मैंने यहाँ तक आपको दो टास्क समझा दिए, कौन कौन से, एक तो बैकड्रॉप और एक स्प्राइट। ठीक है, ओके, अब देखो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि ये सारे कमांड्स हमें कैसे यूज करने हैं, क्या कैसे मेरे गेम में यूज करने पड़ेंगे मुझे सारे कमांड। तो देखो मोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। जैसे कि मैंने क्या करा यहाँ पे, मूवमेंट कराया था किसका, इस बटरफ्लाई का। क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक कर रहा, तो फ्लैग मैंने क्या होता है गो गेम स्टार्ट। ठीक है, तो उसने मेरा कमांड पहले क्या देखा कि फॉर एवर लगा है, यानी कि जब तक, अगर देखो अब मैं यहाँ पे फॉर एवर की जगह अगर मैं यहाँ पे आप रिपीट कर दूंगा रिपीट 10, तो ये बस कुछ सेकंड के लिए ही उस चीज को करेगी और रुक जाएगी। देखो बस अब जाके ये एक जाके रिपीट उसमें 10 टाइम्स हो के बाद ये अपना खत्म हो जाएगी। ठीक है,
हम अपने कमांड्स को कैसे यूज करना है ये देखो हमें गेम में अपने सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो सेकंड क्या आ गया, लुक्स, ठीक है। लुक्स इसको बैठा देते हैं। देखो लुक्स मींस क्या होता है कि अगर हमें किसी के कॉस्ट्यूम, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, बैकड्रॉप को कॉस्ट्यूम करना है, या कॉस्ट्यूम, देखो कॉस्ट्यूम्स की, देखो इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कहाँ से हम देखेंगे, इस कॉस्ट्यूम से आके हम देख सकते हैं कि मेरे पास दो कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से लुक्स में क्या करते हैं, या तो हमें कुछ बोलना हो या कुछ करना हो तो हम उसको लुक्स यूज करेंगे, ठीक है। साउंड क्या है कि ये सब कमांड क्या है कि आप, मैं इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा विद इंस्ट्रक्शन, तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी सारे कमांड्स को समझने की। तो साउंड कैसे चूज कर सकते हैं हम, एक तो इनबिल्ट जो उसमें साउंड है, देखो ये कैट कैट का म्याऊं तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या चूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, अपनी कोई वॉइस रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। जैसे मुझे एक गेम बनाना है सिंगिंग का, जैसे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं सिंगिंग गेम, तो उसमें हम अपनी वॉइस भी डाल के हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट अपनी वॉइस को उसमें इंट्रोड्यूस करके एक गेम बना सकते हैं, और अपलोड कर .MP3 अपलोड कर सकते हैं। इसमें 2 MB तक ही अपलोड करना, नहीं तो ज्यादा हैवी हो जाता तो ये गेम हैंग करने लगता है, ठीक है। इवेंट्स मीन्स क्या होता है कि हम गेम को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, एक तो फ्लैग के थ्रू, या हम चाहते हैं कि किसी बटन के थ्रू स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये बटन स्पेस आ गया, ठीक है। या तो हम चाहते हैं केवल हम स्प्राइट को क्लिक करके, देखो अब मैं क्या करूंगा, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, और ये मुझे क्या बोले, हेलो। देखो अब फ्लैग से गेम नहीं स्टार्ट होगा, देखना फ्लैग दबा रहा हूँ, गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब क्या स्टार्ट होगा, या तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो हेलो बोलेगा, या मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो ये हेलो बोलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे चूज करूंगा, ठीक है, तो जब तक मैं स्पेस स्पेस नहीं प्रेस करूंगा तब तक देखो मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, देखो हेलो बोलने लगा। तो ये चीजें क्या है, इवेंट्स में जाके हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें गेम किससे स्टार्ट करना है, बटन्स के थ्रू स्टार्ट करना है या हमें फ्लैग के थ्रू स्टार्ट करना है। तो इवेंट्स में जाके हम अपने आपको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एक मैसेज दे दिया क्या कि कैट इज सिक, ठीक है, ये मैंने ब्रॉडकास्ट का मैसेज दे दिया है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज यानी कि ब्रॉडकास्टिंग, आपने देखा होगा कि कभी भी टेलीविजन में न्यूज आती है तो क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स कि किसी चीज को हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके रिसीवर क्या है, हम या तो किसी मैसेज के थ्रू रिसीव करेंगे, तो मैसेज क्या होगा यहाँ से कि जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग हुई ये मैसेज देखो यहाँ पे मुझे डिलीवर होगा कार सिक, तब जाके हम उसको बता पाएंगे कि ब्रॉडकास्ट का मतलब ये मैसेज आया है तो उसको हमने रिसीव करा है, ठीक है। ये चीज भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत सारे गेम्स में यूज करते हैं। कैसे, जिससे कि हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ गेम ओवर हो एक गेम ओवर की स्क्रीन अपेयर होके आ जाए, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही मेरी लाइफ इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरी एक स्क्रीन अपेयर होके आ जाए। तो हम ऐसे अपने गेम बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक दिन में नहीं ये सब चीजें आती हैं, बट फिर भी मैंने जितने मतलब सेशंस में पढ़ाया हुआ है, 6 to 7 सेशंस में हर गेम मैंने अलग अलग बनाया हुआ है, तो आप लोग उस रिकॉर्डिंग देख के काफी कुछ सीख सकते हो। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है और हम उसको देख के काफी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल मीन्स क्या होता है, कंडीशंस की हम अपने गेम में क्या क्या कंडीशंस देना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो गेम है वो कितना अच्छा बने। देखो जितनी अगर कंडीशन रहेगा गेम लेंदी बनेगा, आपका गेम उतना अच्छा बनेगा। तो जैसे कि आप C++ में पढ़ भी चुके हो कि इफ देन एल्स और रिपीट अंटिल वेट अंटिल, ये सब क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शन देने काम आते हैं, कंडीशंस के काम आते हैं। तो सेम जैसे कंट्रोल आपने C++ में पढ़ी कंडीशन, वैसे यहाँ पे सेम कंडीशंस है। अब सेंसिंग, सेंसिंग कहाँ पे यूज होता है, जब भी हम कंडीशन यूज करते हैं तो हम किस सेंस के थ्रू, मतलब अपने गेम को हम कैसे उसमें जो कंडीशन दे रहे हैं किसके थ्रू देना चाहते हैं, टचिंग वॉइस पॉइंटर या टचिंग कलर या कोई स्पेस की के थ्रू, तो वहां पे हम कंट्रोल के साथ हमेशा सेंसिंग यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, जहां पर भी आपके सारे मैथमेटिक्स के, जैसे आपको अपनी क्विज बनानी है कोई मैथमेटिक्स की, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविडेशन, तो हम वहां पे ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, जब हमें कंडीशन लगानी पड़े कहीं कि इफ लाइफ इक्वल टू 0 या इफ टाइमर, यानी टाइम, अगर टाइमर आपने इंट्रोड्यूस करा है तो टाइमर जैसे ही लेस देन वन हो तो गेम ओवर हो जाए, तो ऐसे के लिए हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये जो अपने ऑपरेटर है ये यूज करेंगे, ओके। अब आप देखो ये क्या है, एंड और नॉट, आपने देखो लॉजिक गेट पढ़े होंगे शायद 11th 12th में आ जाते हैं लॉजिक गेट, तो एंड गेट और गेट आपने काफी पढ़ा भी होगा तो शायद आपको याद भी होगा, एंड और नॉट ये लॉजिक गेट के क्वेश्चन आते थे इंटर में। तो एंड और नॉट क्या होता है,
एंड गेट वहां पे अप्लाई होगा जहां पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इफ और एंड, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इफ एंड लिया है तो जब तक मेरी ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान देना एंड कमांड कहाँ पे यूज होगा, जब तक मेरी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक मेरा फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और गेट क्या होगा, अगर दोनों में से मेरी कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो पर्टिकुलर जो इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा वो चीज मेरी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। नॉट मीन्स क्या है कि अगर मेरी कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तब जाके मेरी ये यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स हम बहुत यूज करते हैं, जैसे हमें गेम्स में कभी स्कोर की जरूरत होती है, ठीक है, कभी टाइमर की जरूरत होती है गेम में, तो हम वो वेरिएबल्स के थ्रू डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद माई ब्लॉक्स, जैसे कभी कभी हमें ऐसा कोई ब्लॉक बनाना पड़ जाता है जिसको कि हमें इस पूरे ब्लॉक्स में नहीं होता है, तो हम यहाँ से जाके माई ब्लॉक्स, जैसे हमें डिफाइन कर कोई ब्लॉक करना है, तो मैंने एक ब्लॉक बनाया क्या, डिफाइन मूवमेंट। तो देखो ओके, तो ये आ गया डिफाइन मूवमेंट। देखो हमेशा क्या होता है, बॉक्स को जब भी आप कोई भी बॉक्स बनाना, अगर आपको ब्लॉक बनाना है तो उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपने क्यों ये चीज बनाई, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ गेम्स बनाए हुए हैं क्लास में, तो जहाँ पे हमने क्या एक ब्लॉक बनाया हुआ था, तो वहां पे हमने क्या करा, डिफाइन मूवमेंट को करा था, उसके बाद उसको पूरा डिस्क्राइब करा था मैंने कि मैंने ये चीज यहाँ पे क्यों यूज करी। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या है, ये हायर लेवल की चीजें हैं, बट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी आपको कोई चीज ऐसे आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे डिफाइन करके आ जाएगी कोई चीज, तो इसका मीन्स है कि वहां पे एक ब्लॉक डिजाइन करा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा भी यहाँ पे क्या है, म्यूजिक, जैसे आपको कोई एक म्यूजिक का पूरा इंस्ट्रूमेंट, जैसे अपने गेम जैसे कंप्यूटर में खेला होगा एक पियानो का, सेम आप पियानो का गेम यहाँ भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा सब कुछ आप यहाँ पे ड्रम्स पियानो पूरा सेट करके पूरा डिजाइन कर सकते हैं गेम, ठीक है। सेकंड इज पेन, यानी कि आपने एक मैंने गेम बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लोड करता हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने पेन का बहुत अच्छा गेम बनाया हुआ था बच्चों के लिए, बच्चों ने बनाया भी है उसको, आई थिंक ये हो सकता है, जहाँ पे पेन का यूज हो रहा है। पेन का यूज कैसे यूज होता है, आई थिंक देखो ये चीज है, ये गेम है। देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, पेन का पूरा कमांड यूज करा हुआ है। तो जैसे ही अब देखो फ्लैग के थ्रू जैसे ही करेंगे तब गेम नहीं स्टार्ट हो रहा। गेम कैसे स्टार्ट होगा, क्लिक हेयर फॉर अ न्यू गेम। तो जैसे ही अब देखो क्या कर रहा है, देखो पेन का यूज हो रहा है, पेन का देखो ये देखो। तो ऐसे करके हम अपने गेम को कर सकते हैं डिजाइन पेन के थ्रू, ठीक है। मुझे बस एक समझाना था इसलिए मैंने ये पेन का गेम लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच क्या है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, लुक्स में आप कोई कमांड लगाते हो तो वो सिंपल क्या होगा, ये मुझे बोल देगा से हेलो। बट यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच अगर जैसे कि कोई हमें जैसे कोई एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी में क्या होता है कि कैरेक्टर्स को हमें बोलवाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं वो केवल हेलो करे, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम स्पीक कर सकते हैं। तो जब हम स्पीक कमांड यूज करेंगे यहाँ पे कुछ बोल के, तो वो क्या है ना कि जैसे कि ये स्पीक हेलो से हेलो करके, जैसे मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। तो लुक्स में क्या है, अगर मैं से हेलो यहाँ पे सिंपल करूंगा तो देखो ये हेलो बोलेगा, बट अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच करके यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे, ये मेरे कान में आवाज सुनाई दे रही है हेलो करके, इसने अब हेलो बोला है, लेकिन आपको क्या है ये आवाज सुनाई देगी, ना कि आपको ये एक मतलब लिख के आएगा उसमें। तो जैसे हम गेम बनाते हैं स्टोरी के या एनिमेशन के, तो हम वहां पे ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका, ट्रांसलेटर। जैसे हमें कभी ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर बनाना हो, तो हम वहां से भी अपनी इसमें काफी सारी लैंग्वेज, जैसे आपको ट्रांसलेट करना है कौन सी लैंग्वेज को, जैसे हमें ट्रांसलेट करना है इसमें कोई भी लैंग्वेज को, ठीक है, किसमें चाइनीज में या कोई भी लैंग्वेज है, तो हम ट्रांसलेटर गेम भी यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, मेक मेक मेके मेके माइक्रोबिट, लीगो माइंडस्टॉर्म, लीगो ब्रिक्स, लीगो एजुकेशन, डो गो डायरेक्ट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, एक लीगो डिवाइस होती है, शायद आपने नाम भी सुना होगा लीगो डिवाइस का। तो लीगो क्या है, रोबोटिक डिवाइस है। तो उसके जब हम अपने स्कूल्स ओपन हो जाएंगे,
तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लीगो से ये सब चीजें क्या है कि जो हम गेम अभी कंप्यूटर में खेलना है उसके बाद हम डिवाइस यानी जॉयस्टिक से, जैसे जॉयस्टिक आपने देखा होगा, हम जॉयस्टिक से भी खेल सकते हैं सारे गेम। उसके लिए हमें क्या है, लीगो डिवाइस खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको काफी कुछ इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया है कि जितना मैंने अभी तक किसी क्लास में नहीं बताया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज ये सब चीजें सीख जाओ। ठीक है, पैनेट कोड में जाके प्लीज कोर्स को कंप्लीट कर लेना, इस बिगनर कोर्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस अपने जो बिगनर इंट्रोडक्शन को यहाँ से खत्म करके एक गेम में आता हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा जो गेम है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने गेम को आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या गेम आपके लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, एक ड्रोन है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, ये एक सैनिटाइजर समझ लो या ड्रॉप समझ लो, और ये क्या है, एक वायरस। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये एक वायरस है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ड्रोन है, ठीक है, ये फ्लाई हो और फ्लाई होके क्या करे, इस जो मेरे पास वायरस है इस पे क्या है, ये स्प्रेड करे। ये जो मेरा मीन्स ये जो ड्रॉप्स है यानी ये सैनिटाइजर समझ लो, ये वायरस क्या है, मूवमेंट करेगा और हमें इसको ड्रोन के थ्रू, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि ग्रास ऊपर टिड्डी काफी मतलब आ जाने, तो हम क्या है ड्रोन यूज कर रहे हैं उनको मतलब दूर करने के लिए अपनी जो क्रॉप से। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन से क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि मैं क्या करूंगा, ड्रोन फ्लाई करा के इसको यहाँ पे मतलब इसको डेड करूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना गेम। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ड्रोन में, ठीक है, और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपने गेम। ठीक है, तो मैं अपने गेम को बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने गेम में एक वाई वेरिएबल ले लेता हूँ गेम में। ठीक है, ओके, क्यों लिया वाई वेरिएबल, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो शायद आपको पता होगी, नहीं मुझे पता नहीं है। ठीक है, मूवमेंट अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर को, ये पूरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है, इस किसी भी कैरेक्टर को अगर मुझे अप मूवमेंट करना है तो मैं हमेशा क्या लूंगा, वाई में पॉजिटिव लूंगा, डाउन करना है तो वाई में निगेटिव लूंगा, राइट करूंगा तो एक्स पॉजिटिव करूंगा, और लेफ्ट करूंगा तो एक्स को निगेटिव करूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी करेक्टर को अप करना है तो पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, चेंज इन वाई पॉजिटिव करूंगा, डाउन करूंगा तो चेंज इन वाई निगेटिव करूंगा, और राइट करूंगा तो चेंज इन एक्स पॉजिटिव करूंगा, और लेफ्ट करूंगा तो चेंज इन एक्स निगेटिव करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाई वेरिएबल लिया है कि मैं एक वेरिएबल के थ्रू क्या करूंगा, इसको मूवमेंट कराना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस बैकड्रॉप को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसमें क्या लिखा हूँ, स्कोर, ठीक है, और टाइमर, टाइमर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्कोर और टाइमर को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ अपने, तो ध्यान से देखना, अगर कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। ओके, सो मैंने क्या स्कोर ले लिया, टाइमर ले लिया। मैं टाइमर सेट करूंगा कि अगर मेरा टाइमर मतलब टाइमर क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या करूँ, जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, तो सबसे पहले मैं इसको शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लुक्स में जाऊंगा और शो कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे पास दो बैकड्रॉप है, आप देख सकते हो, मैंने बैकड्रॉप पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक ब्लू स्काई एक रेड वन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बैकड्रॉप को उसमें स्विच करूंगा। देखो ध्यान से देखते हैं ना मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लुक्स में जाऊंगा, शो और स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई, यानी कि जैसे मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, ये सबसे पहले अपने जो पीछे का बैकड्रॉप है उसमें ये स्विच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से, अब जैसे कि अभी क्या है, वाई वेरिएबल शो कर रहा था,
बट मुझे वाई वेरिएबल नहीं शो करवाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से हाइट वाई वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे फ्लैग क्लिक करूंगा देखो तो मेरा क्या हो गया, हाइड हो गया यहाँ से, जबकि मैंने यहाँ पे टिक है तो, लेकिन फिर भी क्या कर दिया मैंने इसको हाइड कर दिया। आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हो तब भी हाइड हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि आप अभी सीख रहे हो तो ये सब चीजें क्या है, कभी कभी जैसे आपने यहाँ पे ले लेते हो बट फिर भी यहाँ पे शो करता है, तो आप हाइड वेरिएबल चूज करके क्या कर सकते हो उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको इसका जो साइज है, ठीक है, इसका साइज अभी क्या है 50, तो मैं इसको इसके साइज में भी सेट कर देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं करूंगा लुक्स में जाऊंगा और सेट साइज टू, जैसे 100% है तो मैं इसको 50% में सेट कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सिंपल कुछ नहीं करा, मैंने बस एक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इसको मूवमेंट कराना है, तो मैं एक वेरिएबल के थ्रू इसका मूवमेंट कराऊंगा। ओके फाइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें सर, सर ये कंडीशन, स्विच हाँ बैकड्रॉप क्या है? स्विच बैकड्रॉप, देखो मैंने क्या है यहाँ पे दो बैकड्रॉप लिए हुए हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट दिस है, सेकंड दिस वन है। तो मैंने क्या करा है कि जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूंगा, देखो अगर मैं ये लेता हूँ, देखना आप, देखो पहले मैंने क्या सिलेक्ट करा, गेम ओवर का सिलेक्ट करा हुआ है, मैं इसमें जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा वो किसमें बैकड्रॉप में शिफ्ट हो जाएगा, जो मेरा पहला बैकड्रॉप है, यानी कि जो मेरा पहला बैकड्रॉप ब्लू स्काई है, ठीक है। तो हमने उसको उसमें स्विच करा हुआ है, मैंने गेम ओवर का स्विच नहीं करा है, मैंने किसमें स्विच करा हुआ है, पहले वाले बैकड्रॉप में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, सेट साइज टू 50%। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, अपनी गेम को कंडीशन देने के लिए। तो मैं अपनी गेम में कंटिन्यूशन कंडीशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से साउंड स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट साउंड में क्या करूंगा, इससे मैं इस गेम को यहाँ से, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करे हैं, मैंने स्पेस नॉइस सेटअप, आप ये सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाओगे, ये सारे इनबिल्ट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी ले सकते हो अपने, आप जो भी आपको अच्छे लगे, बहुत सारे साउंड्स हैं, ठीक है, आप कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने क्या है स्पेस नॉइस को चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो इसको, जो इसकी जो यानी कि चेंज करूंगा वैल्यू, मीन्स वाई, उसको मुझे, मैंने आपको बताया कि हमेशा मैं इसको अप और डाउन करूंगा सिंपल। तो मैं क्या करूंगा इसको वाई, जैसे मैंने यहाँ पे वाई वेरिएबल लिया हुआ है, मैं इसके अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट चेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, चेंज वाई बाय, मैं कोई वैल्यू से चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा किससे, वाई वेरिएबल से। जैसे जैसे मेरा वाई वेरिएबल मैं इसको सेट करूंगा, वैसे वैसे ये वहां पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज वाई बाय किससे हो गया है, वाई वेरिएबल से, ओके ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वाई वेरिएबल की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, चेंज इसको वाई वेरिएबल को किससे, एक वैल्यू से कर देता हूँ माइनस, मैंने को बताया मुझे डाउन करना है ना इसको, तो मैं क्या करूंगा इसको फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 0.3, ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा, चेंज वाई, जैसे पहले मैंने क्या करा इसको, एक चेंज वाई को मैंने बताया कि जब भी मुझे अप डाउन मूवमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा वाई, एक वाई के थ्रू चेंज करूंगा। तो मैंने वाई वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने वाई वेरिएबल क्या लिया कि -0.3 ले लिया, ठीक है ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूँ, ठीक है, ये क्या हो, ये अप की तरफ जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, पहले तो क्या होगा सिंपल, ये क्या है डाउन आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक मैं स्पेस की जब तक प्रेस करूंगा ये क्या होगा, फिर ये ऊपर जाने लगेगा, ओके। सो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ध्यान से, किसी को कोई अगर पॉइंट समझ में आए तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या करा कि अब अगर मैं जैसे ही क्या स्पेस की प्रेस करूंगा, अब मुझे इसको ऊपर भेजना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा वाई वेरिएबल को पॉजिटिव वैल्यू से चेंज कर दूंगा, ओके ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता सकता है, ठीक है। अब हाँ बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम, सर ये वाई वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है? वाई वेरिएबल क्या है कि मुझे क्या है कि एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिससे कि मैं इसका मूवमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए मैंने कर आपको बताया कि अगर मुझे किसी कैरेक्टर को मैं, ठीक है, अप डाउन कराना है, तो हमेशा मैं वाई वैल्यू ही लूंगा अप डाउन के लिए।
मैंने क्या लिया, पहले चेंज जो मैं वाई करना चाहता था, मैंने क्या एक वैल्यू ले ली, मैंने वाई वेरिएबल एक ले लिया जो कि मेरा क्या है कि अपने आप ही इसको क्या अप डाउन कराना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता तो वो क्या करता, एक पर्टिकुलर बस इस एक जाके फिक्स हो जाता है चेंज वाई बस उसमें, ठीक है फिक्स हो जाता। बट मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया वाई कि ये पूरा इस स्टेज में ऊपर नीचे तक मेरी क्या है चेंज वाई वेरिएबल -0.3 होगा तो ये क्या है नीचे आएगा। देखो देखो अब, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा स्पेस की प्रेस करूंगा तो ये ऊपर जाएगा। देखो देखो ये क्या हो रहा है, इसका वाई का क्या है पॉजिटिव वैल्यू, नहीं तो क्या छोड़ दिया तो ये नीचे आ जाएगा। देखो तो इसीलिए मैंने क्या लिया, एक वैल्यू ले ली है किसकी, वाई वेरिएबल की, कि अगर मैं कुछ नहीं प्रेस करूंगा तो ये हमेशा क्या है नीचे आएगा। आपने जैसे पढ़ा भी होगा कि कोई चीज अगर आपको ऊपर फोर्स लगाती है तो क्या होता है, पैराशूट से फ्लाई भी करते हो तो वो हमेशा क्या है नीचे आने की कोशिश करता है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो भाई मैंने यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाया है कि जब तक आप अपनी इसको प्रेस नहीं करोगे इसको स्पेस की को, तब तक क्या है कि ये आपका फ्लाई नहीं होगा, नहीं अगर फ्लाई होगा तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, क्यों, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम एनीवन, अब समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट, एनीवन एनी डाउट, ओके ठीक है। तो फिर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, गेम बहुत वैरायटी की स्क्रैच में, मतलब इतने सारे गेम बन जाते हैं कि मतलब आप इस गेम को चेंज करके कुछ भी बना सकते हो। आप यहाँ पे जैसे कि दो ड्रोन कर सकते हो, लेवल्स कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप गेम को क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अगर मेरे ड्रोन ने, अगर ये मेरा ड्रोन है जो, अगर इसने किसी भी वायरस को टच कर लिया तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसका क्या गेम ओवर हो जाए और वो उसमें चला जाए। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंडीशंस लूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ और ये जो मेरी ड्रॉप्स है मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्प्रेड कर रहा हूँ इन सब वायरस पे, बट बाई चांस अगर मेरा ड्रोन किसी भी वायरस पे टच कर गया तो यानी कि मैं चाहता हूँ मेरा गेम स्टॉप हो जाए या गेम ओवर हो जाए। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरे इस ड्रोन ने अगर कोरोना वायरस यानी कि इस वायरस को अगर टच कर दिया तो क्या हो कि जो मेरी जो एक गेम ओवर की जो मैंने स्क्रीन बनाई हुई है उस पे स्विच हो जाए, तो मैं यहाँ पर लुक्स लगाऊंगा और बैकड्रॉप को स्विच कर दूंगा Vol 1 में, ठीक है, जो कि मेरी गेम ओवर की है। और उसके बाद मैं एक साउंड कर दूंगा एंड का साउंड जो होता है, ठीक है, तो एंड का साउंड करके मैं अंटिल डन, और उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, वो हाइड कर देता हूँ, हाइड भी कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो स्टॉप के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से चूज कर लूंगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या लिखा कि अगर यहाँ पे मेरे जो ड्रोन ने अगर किसी भी वायरस को टच कर लेगा तो क्या गेम ओवर की मेरी स्क्रीन अपियर हो जाएगी और गेम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो आप इसमें क्या होंगे, देखो इसमें कॉन्सेप्ट काफी अच्छा अच्छा लगा है, तो आप लोग ध्यान से देखना। अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये है अब दिस वन ड्रॉप्स है जो, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको मैनिपुलेट इसमें, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले ये मेरी ड्रॉप जो है ये क्या जाए इसके पास जाए, मीन्स की सबसे पहले मुझे क्या भेजना पड़ेगा, इसके पास भेजना पड़ेगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्या कि स्पेस बार प्रेस करूँ तो ये ऊपर मेरा ड्रोन जाए, उसके बाद जैसे ही मैं क्या बटन अपनी डाउन करूँ तो ये क्या है कि बार बार ये चीज क्या है मुझे मिलती रहे, यानी कि वही चीज मुझे डुप्लीकेट होती रहे, मीन्स कि एक बार मैंने प्रेस करा तो अब डाउन का तो एक बार निकला, फिर डाउन का प्रेस करा तो उसी चीज का मुझे क्या करना है डुप्लीकेट। देखो ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मुझे इसको बार बार नीचे भेजने, क्योंकि मेरे वायरस यहाँ से निकलते जाएंगे, तो मैं मुझे इसको भी तो बार बार नीचे स्प्रेड कराना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा इस चीज को डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट में स्क्रैच में क्या बोलते हैं क्लोन, क्लोन आपने सुना भी होगा शायद कि क्लोन इसका बन गया, यानी कि उसका डुप्लीकेट हमने बना दिया। ठीक है, तो अब देखो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो वैन फ्लैग क्लिक, तो उसका मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे,
मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूं कि जैसे ही मैं डाउन अपनी बटन को प्रेस करूं, ठीक है, एक तो बटन में स्पेस प्रेस करूंगा किसको, इसको फ्लाई करने के ऊपर, और एक बटन में प्रेस करूंगा डाउन की, जिससे कि मेरा क्या है कि ये जो मेरा जो ये ड्रॉप्स है ये इसके थ्रू क्या हो जाए नीचे आके, इसमें जो मेरे वायरस यहाँ पे आता रहेगा वो उस पर स्प्रेड होती रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, डाउन चूज कर लूंगा, और जैसा कि मैंने बताया कि डाउन करने के मैं क्या करूँगा सर, क्लोन बनाऊंगा। क्लोन मीन्स क्या है, इसकी कॉपी। जैसे जैसे मैं इसको बटन प्रेस करता जाऊंगा तो इसका क्या है, क्लोन बनता जाएगा। उसके बाद मैं इसमें 1 सेकंड का, यानी कि 1 सेकंड बाद फिर से दूसरा वो अपना मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, एनीवन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर, स्ट्रेस? ओके, ठीक है। चलो अब मेरा क्या है, यहाँ पे मैंने अपनी बटन प्रेस करी, बस मेरा क्या हुआ, क्लोन बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन क्लोन ना तो नीचे आ रहा ना कहीं जा रहा है। उसके मूवमेंट के लिए मैंने जैसे बताया कि मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा देखो किसी चीज को मूवमेंट देने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू हमेशा चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ड्रॉप्स में जाता हूँ अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे ही फ्लैग क्लिक दो, ठीक है, जैसे ही फ्लैग क्लिक दो, तो सबसे पहले इसको हाइड कर दूंगा। तो मुझे इसमें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, क्या वेरिएबल, ड्रॉप्स का, ठीक है। तो सबसे इसको मुझे नहीं चाहिए ड्रॉप्स का, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। ये मेरा वेरिएबल है, बस मैं इसे अपने जो गेम के लिए रख रहा हूँ। तो मैं क्या कहूंगा कि जैसे ही मैं इसको हाइड कर दूंगा ड्रॉप्स को, और उसके बाद देखो अब जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा तो अभी क्या है शो कर रहा है, बट मुझे इसको हाइड भी करना है, ठीक है। वेरिएबल और हाइड में डिफरेंस है, हाइड मेरा करेक्टर होगा इस वाले नीले वाले हाइड से, और हाइड वेरिएबल में जो मैं वेरिएबल लूंगा वो हाइड होगा, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब देखो जब भी आप कभी भी क्लोन बनाओगे, ध्यान रखना, तो आप क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों आपने क्लोन बनाया है। जब भी आप कोई भी ब्लॉग बनाओगे उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने वो क्यों ब्लॉग बनाया हुआ है। ध्यान रखना बात कि कभी भी क्लोन अगर आपने सिंपल अगर छोड़ दिया ऐसे, तो आपका है क्लोन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्लोन कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं हो रहा, क्लोन ऑन कुछ नहीं बन के आ रहा है, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना है कि उस क्लोन को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने क्यों क्लोन बनाया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल में जाऊंगा, ठीक है, और मैं बताऊंगा मैंने क्लोन क्यों बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने क्लोन बनाया, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा उसको शो करूंगा। देखो इनिशियल मैं हाइड करूंगा, बट उसके बाद मैं क्या करूंगा, शो करूंगा, मैंने शो कर दिया। ओके, अब देखो अब क्या होगा, जो मेरा इस ड्रॉप्स का क्या है कि इस ड्रॉप को मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे ड्रॉप सैनिटाइजर ड्रॉप्स हैं इसको मुझे सबसे पहले इस स्टोन के पास भेजना पड़ेगा भाई, तभी तो यहाँ से ये क्लोन बनना स्टार्ट होंगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, मोशन में जाऊंगा और बोल दूं कि आप ड्रॉप्स इस जो मेरी जो ड्रोन है, ठीक है, उसके पास आप जाओ, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैं स्टार्ट क्लोन करूंगा तो अब ये क्या होगा, अब ये इसके पॉइंट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन प्रेस करूँ डाउन का, तो वो जो ड्रॉप्स हैं वो कहाँ पे कब तक मेरा रिपीट करें, और उसके बाद दूसरी कब कब आएगी, जब तक मैं इस एज को टच कर लेती मेरी ड्रॉप, तब तक मुझे मैं उसको रिपीट कराऊंगा। देखो ये एज आप देख रहे हो, ये सारी एजेस होती हैं। तो मैं जैसे ही बटन प्रेस करूंगा डाउन की, तो मेरा सबसे पहले यहाँ से ड्रॉप्स क्या है नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे कब तक आएंगी, जब तक कि वो इस एज को टच नहीं कर लेती, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिपीट अंटिल, कब तक, जब तक कि वो मेरी जो एज है उसको टच नहीं कर लेती, ठीक है। वो तब तक रिपीट करेंगी। उसके बाद देखो अभी क्या है कि मेरी कोई भी ड्रॉप नीचे नहीं आएगी। देखो नीचे ध्यान रखना, जब तक हम किसी चीज को मोशन कमांड नहीं देंगे वो चीज कभी नहीं आएगी। क्या मैंने यहाँ पे ड्रॉप से कोई कमांड दिया मोशन का? नहीं दिया। क्या मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी मोशन कमांड दिया? नहीं दिया। तो क्या होगा, ड्रॉप यहाँ पे क्लोन तो बन जाएगी लेकिन नीचे नहीं आएगी। तो मैंने क्या बताया, नीचे लाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है मुझे, चेंज इन बाय नेगेटिव, ठीक है। तो
तो मैं वाई की वैल्यू क्या लूंगा यहाँ से माइनस का 20, और उसके बाद फिर मैं क्या कर दूंगा इसको हाइड, ठीक है, उसका मैंने इसको हाइड कर दिया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है ओके। बट अभी आप देख सकते हो कि मेरे टाइमर का कोई भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखो टाइमर का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये पूरे स्क्रैच में एक ही कॉन्सेप्ट है टाइमर का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अब तक किसी गेम में जो भी अभी बताया नहीं, नॉर्मल जो क्लासेस चलते हैं उसमें सब कुछ करा चुका हूँ, बट जो क्लासेस वाइज मैं ले रहा हूँ, आज मेरा लास्ट डे है आपकी क्लास का लेवल से, इसके बाद मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा स्क्रैच का। तो टाइमर का कॉन्सेप्ट देखो जो मैं बता रहा हूँ, बस वैसा ही आपको सेट करना है हमेशा, बस इसके बाहर का नहीं आता कोई भी टाइमर का कॉन्सेप्ट है। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूँ, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, टाइमर को सेट करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इनिशियल टाइमर की वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 30 सेट कर देता हूँ, यानी 30 सेकेंड्स मैंने टाइमर के सेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरा गेम स्टार्ट होगा, तो गेम में क्या है, मैं कंटिन्यूएशन गेम का मतलब टाइमर भी चलता रहता है, ऐसा नहीं टाइमर रुक जाता है 1 सेकंड, मतलब कुछ सेकंड के बाद, वो तो उसमें वैल्यू मैंने सेट करी है, लेकिन टाइमर क्या है कि टाइमर को मैं बताना पड़ेगा कि कब उसको स्टॉप होना चाहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले इसकी वैल्यू को डिक्रीज करूंगा, चेंज टाइमर, यानी कि टाइमर ऐसा, तो एक टाइमर होता है अगर आपको इनकी 0 से स्टार्ट करना तो आप 0 से कर लो, यहाँ पे चेंज टाइमर +1। लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम जो भी टाइमर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, यानी कि जिससे कोई वैल्यू से क्या है अपवर्ड से डाउनवर्ड आते हैं। तो वही मैंने कॉन्सेप्ट यूज करा है, अगर आपको 1 to 15 लेना है और इनिशियल में आपको 0 से स्टार्ट करना है, तो आप सेट टाइमर टू 0 कर दो, उससे चेंज क्या है चेंज बाय पॉजिटिव कर दो। मैंने क्या, एक मैंने एक उसको वैल्यू सेट कर दी तो मैंने निगेटिव ले ली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो चेंज टाइमर हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 1 सेकंड बाद देखो हमेशा कम होगा, ऐसा तो नहीं कि तुरंत तुरंत होने लगे, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, 1 सेकंड का वेट, यानी कि अब क्या होगा कि जैसे ही टाइमर चेंज होगा 1 सेकंड का वेट होगा, फिर से 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 29 से 28, 20 से 27, ऐसे करके ये कम होता रहेगा, ठीक है। तो देखो टाइमर का कॉन्सेप्ट, इससे आप कहीं भी कोई भी स्क्रैच गेम देख लेना, टाइमर का यही कॉन्सेप्ट लगा होगा। पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, हम टाइमर की एक वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1 सेकंड देंगे, क्यों, क्योंकि टाइमर हमारा क्या सेकंड से चलता है, तो इसलिए क्या होगा 30, 29, 20, 1 1 सेकंड में वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करना जा रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे ही मेरा क्या हो कि टाइमर की वैल्यू <1 है, तो मैं चाहता हूँ मेरा गेम ओवर हो जाए। जैसा कि होता है कि अगर टाइमर मेरी की जो वैल्यू खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जैसे ही प्रेस करा, तो ये देखो ये कम होने लगा, देख सकते हो आपके सामने है, ठीक है, 25, 24, 23, 22। तो ये देखो टाइमर का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा कि टाइमर का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी गेम को उठाना, इससे बाहर का क्या हो सकता है, इसमें 2 बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं केवल साउंड को, या तो टाइमर <1 हो तो एक साउंड अलग हो, या टाइमर <1 हो तो अलग साउंड हो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट इसके बाहर का टाइमर का नहीं होता है, आप कहीं भी किसी गेम को देख सकते हो। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे एक ही टाइमर का सेट कर रहा हूँ, कि जैसे ही टाइमर क्या हो <1 हो, तो मैंने जैसे बताया कि मैं क्या बैकड्रॉप को स्विच कर दूंगा, जो हमारी गेम ओवर की बैकड्रॉप है, और उसके बाद मैं क्या एक साउंड प्ले कर दूंगा गेम ओवर का, ये मैंने गेम ओवर का एक साउंड करा है, और उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा सभी को, ठीक है। तो ये तीनों चीज समझ में आई, टाइमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, और इसका जो मैंने कराया यहाँ पे, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझे इन दोनों पे, कि मैंने इसमें और इसमें किसी कोई दिक्कत है तो पूछ ले मुझसे। एनीवन, सर आपने ये हाइट क्यों लगाया दोनों हाइट साइड पे? वेरिएबल यहाँ यस पे सर। देखो, एक मैंने पहले क्या करा है, देखो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ले लेता दिस वन, ठीक है, तो क्या होता है कि ये यहाँ पे शो करता है, लेकिन मुझे ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या करा, जैसे मैं ये आपको, आप इसको क्या ये हटा सकते हो, यहाँ पे हटा सकते हो, आप केवल नॉर्मल लगा सकते हो यहाँ पे, तब भी हो जाए काम। लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं फ्लैग क्लिक करूंगा हाइड हो जाएगा क्या, ड्रॉप्स, ठीक है। लेकिन मुझे ड्रॉप्स को जब शो नहीं कराना है, तो मैं यहाँ पे या तो क्या कर दूँ, टिक कर दूँ, यहाँ से हटा दो तो वो हट जाएगा, या आप यहाँ पे टिक रहने दो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल यहाँ पे सिंपल लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप फ्लैग क्लिक करोगे तो
तो वो चीज हट जाएगी, समझ। अब और हाइट क्यों लगाए, इनिशियल में मुझे ड्रॉप्स को शो थोड़ी करना है, ड्रॉप्स तो मेरी तब शो होंगी जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब हम मैं यहाँ पे डाउन प्रेस करूंगा तब मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्रॉप यहाँ पे शो, समझे। तो इनिशियल मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैंने फ्लैग क्लिक करा है तो ये क्या है, हाइड हो जाएगी, यानी कि इनिशियल में मुझे शो नहीं करवाना अपनी ड्रॉप्स को। मैं अपनी ड्रॉप्स को तब कब शो कराऊंगा, जब मैं उसका क्लोन बना रहा हूँ, जब क्लोन बन के यहाँ पे आएगी तब जाके वो शो होगी। लेकिन फिर एच के बाद मैं चाहता हूँ वो हाइड हो जाए, ऐसा तो नहीं एच पे यहाँ पे इकट्ठा होती रहे, ऐसा तो नहीं चाहता हूँ कि ड्रॉप्स यहाँ पे इकट्ठा होती रहे। वो क्या होगा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से हाइड यूज कर दिया। तो और किसी को कोई डाउट, समझ में आया सभी को कि मैंने यहाँ पे हाइड वेरिएबल क्यों दिया है और ये हाइड क्यों लगाया है और ये हाइड क्यों लगाया। मैंने इनिशियल है मुझे क्या करना है, अपनी ड्रॉप्स को हाइड कर देना है, लेकिन जब मैं फोन स्टार्ट कर दूं और एच को छू लूं उसके बाद भी मुझे उसको हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार हाइड यूज करा है। एनीवन, और किसी को उसके अलावा डाउट? किसी को कोई डाउट है नो अब? सर, ओके ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, क्या एक वायरस का, ठीक है। ओके ठीक है, देखो इसमें भी क्या आ गया कि ये वेरिएबल शो हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे हाइट वेरिएबल लगा दूंगा तो ये हाइट हो जाता है। देखो क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट जब गेम बनाते हैं तो काफी सारे वेरिएबल्स रहते हैं तो उनको समझ नहीं आता, सीधे क्या कर दो हाइट कमांड लगा दो, नहीं तो यहाँ पे जब फोन में जब बनाओगे आप तो फोन में क्या है इतना अच्छे से नहीं बन पाता है। तो उसके लिए सिंपल आप ये क्या है कमांड यूज कर लेना हाइट वेरिएबल, तो वो चीज हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फ्लैग क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कोर को मैं इनिशियल में सेट कर दूंगा क्या 0 में, ठीक है। स्कोर को मैंने इनिशियल में, जैसे कि हम सब जानते हैं स्कोर क्या होता है, इनिशियल में 0, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं देखो अब मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से देखना, मैं अपने जो भी वायरस को इस वाले उससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है मेरी, कौन सी पोजीशन है, ये देखो ये जो मेरी पोजीशन है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं अप डाउन नहीं करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं अप डाउन नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक्स पोजीशन में मूवमेंट करूंगा, ध्यान से देखना। अब मेरा जो वायरस होगा वो क्या करेगा कि वो इसमें मूवमेंट करेगा, किसमें, ये वाली जो पोजीशन आपने बनाई है, ठीक है। तो ये एक्स में पोजीशन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो उसके बाद मैं लगाता हूँ हाइट। देखो आप क्या है कि देखो एक दिन में ये सब चीजें, ऐसे मुझे भी पता है कि मैं भी एक दिन में नहीं सीखा था, तो आपको भी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ प्लेनेट कोड में जो भी वीडियोस है, ठीक है, आप उनको प्रिफर करना, और प्लस जितने मैंने प्रीवियस सारे गेम्स कराए हैं आप उनको देख लेना, तो आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, व्हेन फ्लैग क्लिक, पहले स्कोर को मैंने इनिशियल 0 उसका मैं हाइड कर दिया। उसके बाद मैं कंडीशन सब लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कोरोना वायरस है, ठीक है, वो क्या है कि रैंडम यहाँ पे निकले, मतलब एक रैंडम वैल्यू से निकले, ऐसा कि मतलब एक रैंडम मैं उसको क्या दूंगा, उसको वैल्यू दूंगा, ठीक है। यानी कि सेट कर रहा हूँ मैं, देखो सेट और चेंज में बहुत अंतर है, याद रखना। सेट कर दूंगा तो वो चीज क्या है उतने नंबर्स में क्या है सेट हो जाएगी, ठीक है, फिक्स हो जाएगी। चेंज करूंगा तो वो चीज उतने नंबर्स में, जैसे जैसे आपको कंडीशन फॉलो होती रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे वो चीज आपकी चेंज होती रहेगी। तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं कोरोना वायरस को क्या करूंगा, एक रैंडम वैल्यू में सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वायरस है यहाँ पे मैक्सिमम इतनी रेंज में ही सेट रहे, ठीक है। तो मैं करूंगा इसको -52 50 वैल्यू में सेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने एक रैंडम वैल्यू दे दी इसको। उसके बाद मैंने क्या करा, इसका देखो क्लोन बनना यहाँ पे स्टार्ट, देखो निगेटिव वैल्यू मैंने इसलिए दी है कि मैं इसको क्या करूंगा, निगेटिव यही नीचे देखो जो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, मैं फिर से बता देना हूँ कि मैंने यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्यों दी है। देखो जो मेरा ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है डाउनवर्ड, ये हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव में,
ये दोनों पोर्शन अगर आप कभी भी करोगे तो जो एक्स भी यहाँ पे क्या, देखो एक्स क्या है यहाँ पे, देखो -240 और वाई क्या है -180, यानी कि जो मेरे नीचे वाले पोर्शन है यहाँ पे अगर आप वैल्यू दो कोई तो वो क्या करेंगे हमेशा निगेटिव में रहेंगे, बच्चे ध्यान रखना इस बात को। और अगर ऊपर करोगे तो देखो क्या है +240 और वाई क्या है +180, तो इस चीज को कंफ्यूज मत होना इस चीज से, ठीक है। तो मैंने एक वैल्यू सेट कर दी इसकी, उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं इसका क्लोन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसके बैकड्रॉप को हटा दे रहा हूँ, यहाँ से जो मेरा पहला बैकड्रॉप है तो उस पर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल क्या करो उसमें बैकड्रॉप में ऐसे जाकर कर दो क्लिक तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्या करूँ, मैंने इसको रैंडम वैल्यू दे दी, अब उसके मैं क्या करूंगा देखो क्लोन बनना स्टार्ट फिर कर दूंगा। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से वायरस क्या है इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट कर दे यहाँ पे, और मैं एक नहीं होगा मैं चाहता हूँ काफी सारे क्वांटिटी में हो, यानी देखो सेट कोरोना वायरस तो रैंडम नंबर्स में होंगे, ठीक है। वो काउंट क्या है आपका, ठीक है, एक रैंडम बढ़ता जाएगा कब तक, जब तक टाइमर चलता रहेगा तब तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा इसका क्लोन फिर से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा इसका, देखो दूसरा वायरस मैं क्या करूंगा उसको, एक ऐसा नहीं कि तुरंत वायरस निकले, कुछ सेकंड्स के बाद निकलेगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, एक ही साथ में कर दूंगा तो एक साथ इतने सारे वायरस आ जाएंगे कि आप उसमें सही से उसको समझ नहीं पाओगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से जो सेकंड्स लूंगा इसमें जो इसके रिपीटेशन जो क्लोन बनने के, एक रैंडम सेकंड्स में डाल देता हूँ वैल्यू, कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या है इनिशियल में क्या है सेकंड्स कम हो गए 0.8 0.2, लेकिन जब बहुत सारे हो जाएंगे तो सेकंड्स क्या है कम होते जाएंगे। तो 0.8 मैं 1 से कम लेता हूँ सेकंड, यानी कि इसके क्लोन बनने का, एक क्लोन के बाद क्या है 0.8 सेकंड बाद दूसरा बनेगा, तो फिर से 1 सेकंड बाद बनेगा, फिर 1.2 सेकंड बाद बनेगा, तो ऐसे से करके आप देखना यहाँ पे बहुत सारे आपके इसके क्लोन आ जाएंगे, ठीक है। ओके यहाँ तक मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बताया कि जब भी हम कोई क्लोन बनाते हैं मुझे उसको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैंने क्लोन क्यों बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, कि जैसे ही मैंने उस उसको क्लोन को लिया है तो मैं करूंगा पहले उसको शो करूंगा, ठीक है। पहले मैंने इनिशियल में हाइड करा था, लेकिन अब जैसे ही मेरा क्लोन बनना स्टार्ट हो गया है तो मैं क्या करूंगा उसको शो कर दूंगा। देखो अभी केवल मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, देखो मैंने क्या कहा था कि मूवमेंट तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक मैं चेंज इन एक्स या चेंज इन वाई को कोई वैल्यू या मैं कोई वेरिएबल से उसको बताऊंगा नहीं, डिस्क्राइब नहीं करूंगा, तब तक वो अपना मोशन करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहीं पे चेंज इन एक्स चेंज इन वाई करा है, नहीं करा है, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने अभी अपने मेरे वायरस क्या है अभी तक मतलब केवल एक पोजिशन में इकट्ठे हुए हैं, बट क्या है रनिंग मोड उसमें अपियर के मोड में और मूवमेंट के पोर्शन में नहीं आए, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कमांड नहीं लगाया, ठीक है। आप देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे हाइट वेरिएबल कर दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मुझे नहीं चाहिए ये वेरिएबल कोरोना वायरस का, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक्स की पोजीशन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सेट कर दूंगा, ठीक है, क्या +280, देखो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, मैं ड्रॉप जैसे तो दिखा दो वैल्यू क्या ले रहा हूँ, देखो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है +240, बट +240 यहाँ पे है, मैं इसको क्या करूंगा और पीछे से करूंगा, तो मैं इसको क्या करूंगा इसको वैल्यू मैं और दूंगा कितनी 280 दूंगा वैल्यू, और यानी कि पीछे से मैं मेरा जो वायरस है और पीछे से निकल गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गो टू एक्स एंड वाई यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो गो टू एक्स मैं लो लूंगा 280, ठीक है, और वाई को मैं क्या करूंगा वाई को मैं एक जो मेरा मैंने अपना वेरिएबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं चलना चाहता हूँ, जैसे कि जो मैंने सेट करा हुआ है कि रैंडम वैल्यू मैंने क्या कर लिखी है वाई की -152 -52 -150, उसके अकॉर्डिंग क्या है ये वाई की वैल्यू को रोटेट करेगा। ये हमेशा देखना ये मेरा जो वायरस होगा ये इस पोर्शन के ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान देना कि ये पोर्शन ऊपर मेरे वायरस, अभी मैं जब गेम स्टार्ट करूंगा जो भी मेरे वायरस रहेंगे देखना वो क्या है यहीं से निकलेंगे और इस वाली जो लाइन है सेंटर लाइन से हमेशा नीचे रहेंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वाई को फिर से करूंगा इस जो मैंने अपना एक वेरिएबल लिया है इसके करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वायरस को इधर तक ही स्प्रेड है, क्योंकि मैं क्या करूंगा जब मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो
तो मेरा ये जो ड्रोन है ये फ्लाई करेगा। अब मैं ज्यादा ऊपर कर दूंगा तो तुरंत क्या है गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वाई को क्या है इसकी वैल्यू कोरोना जो मैंने सेट करी है इसके अकॉर्डिंग ये अपना वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। अब कब तक मैं रिपीट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वायरस है वो यहाँ तक ही तो रिपीट करोगे, क्या इसके बाहर रिपीट करोगे? नहीं करोगे ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 280 लिए, वैसे मैं क्या करूंगा रिपीट अंटिल कब तक, -280 तक, कि मैं जैसे राइट से निकालूंगा और लेफ्ट तक ही पहुंचूंगा, तो कब तक लिए मैं क्या यूज करता हूँ रिपीट अंटिल, कि एक्स पोजिशन मेरी क्या रहेगी लेस देन माइनस का 280, यानी कि कब तक, जब तक कि ये यहाँ पे -280 के अंदर यानी कि 270 तक ये वहां तक मेरी ये मुझे मिलेगी। देखो ये गेम थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूँ कि एक बार में ये नहीं आएगा समझ में, बट फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करना, देखो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। देखो अगर मैं बहुत छोटा सा आसान सा गेम कराएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता टाइमर का, क्योंकि टाइमर का कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने कराया नहीं था, तो मेरा मेन टारगेट था टाइमर कॉन्सेप्ट समझाने में। और कोई भी अगर आपको जैसे कोई भी गेम ऐसे बनाने हो जिसमें ड्रोन यूज करना है और स्प्रेड कराना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा रिपीट अंटिल कब तक, जब तक कि मेरा यहाँ पे पहुंच नहीं जाता है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो अब मैं क्या करूंगा, अभी अब देखो मैंने फिर कह रहा हूँ अभी तक मैंने कोई मूवमेंट नहीं कराई, ये मूवमेंट हमेशा किससे होती है चेंज इन एक्स या चेंज इन वाई। अब मैं मूवमेंट कराना स्टार्ट कर दूंगा, मैंने दोनों पोजिशन फिक्स कर दी है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से एंड होना चाहिए। अब मैं कर सकता हूँ चेंज इन एक्स वाई -2, मैंने -2 क्यों लगाया, मैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हमेशा मैंने बताया -2। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो मैं क्या करता चेंज एक्स बाई +2, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं ड्रॉप को अगर मैं यहाँ पे ये फ्लाई करेगा ड्रोन, और जैसे ही इसने क्या करा मैंने यहाँ पे डाउन बटन प्रेस करा, यहाँ से क्या ड्रॉप्स निकली और इसने वायरस को टच करी, तो ये क्या होना चाहिए फट जाना चाहिए, ठीक है, मेरा वायरस यानी कि खत्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे ध्यान से फिर से कंडीशन में ले रहा हूँ, इफ क्या है कि अगर ड्रॉप्स ने इसको इनको टच कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मैं एक साउंड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, ये सब साउंड मैंने पहले से लिया हुआ है, ठीक है। आप ये सारे साउंड आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे जाना इनबिल्ट सारे साउंड है कोई भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें कोई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरे इस ड्रोन ने स्प्रेड करा इस वायरस के ऊपर क्या सैनिटाइजर आप समझ लो, तो क्या स्कोर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो स्कोर के लिए मैं क्या करूंगा चेंज स्कोर में जाऊंगा और यहाँ से स्कोर को चेंज कर दूंगा कितने 1 में, यानी कि अब जैसे ही मेरा ड्रोन स्टार्ट होगा और मैंने अपना सैनिटाइजर इन वायरस के ऊपर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे जैसे एक एक सैनिटाइजर एक एक उसको ड्रॉप्स को टच करता जाएगा तो स्कोर मेरा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहता हूँ स्कोर के बाद क्या हो जाएगा, स्कोर क्या जैसे ही मैं टच करूँ मेरा क्या हो जाए क्लोन डिलीट हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा यहाँ से कंट्रोल में जाऊंगा और उसको क्लोन को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम एनीवन किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक मैं नो सर, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझे एक कंडीशन और रह गई कि भाई आपको टाइमर को भी देखना है कि टाइमर अगर लेस देन मैंने तो हमें उसको गेम ओवर तो कराना, ऐसा नहीं कि मतलब मेरा गेम चलता रहे टाइमर चलता रहे तो के मतलब टाइमर खत्म हो जाए, बट उसको भी तो करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से भाई कंडीशन चूज करूंगा क्या कि जैसे ही मेरा क्या हो टाइमर, ठीक है, इफ टाइमर क्या है लेस देन 1 देखो ये इसी पोर्शन पर आएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान देना ये बस इसी सेंटर मैंने लाइन का ना ये माइनस ये रेंज में सेट हो जाएगा लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। तो टाइमर क्या है लेस देन 1, ठीक है, तो ये क्या है कि
मैंने बताया कि इसमें बैकड्रॉप अपने गेम ओवर के बैकड्रॉप में स्विच हो जाएगा, ओके। देन वही प्ले साउंड जो मेरा गेम ओवर का मैंने सेट करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हाइड हो जाए और स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे बैकड्रॉप को इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं, देखो वायरस मेरे देखना नीचे रहेंगे। ओके 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 ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें क्या है, ड्रॉप्स का इफ वी डोंट क्रिएट क्लोन ऑफ, यहाँ पे ड्रॉप्स का आना चाहिए ना कि माई सेल्फ का। देखो एक मिस्टेक हुई और क्या हुआ, देखो अब फिर से डाउन आएगा। टाइमर क्या है, कम हो रहा है। देखो ये क्या है, ड्रोन्स क्या है मेरे, देखो ये जो वायरस, देखो वायरस, पहले मैं वायरस को दिखा रहा हूँ कि वायरस क्या है। देखो देखो जैसे जैसे मैं कहता हूँ अगर टच हो जाएगा तो, देखो क्या, अगर देखो अभी मैं नीचे हूँ, अब मैं जैसे ही इसको क्या करूंगा, गेम ओवर, टाइमर क्या होगा मेरा जीरो। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार और, देखो मैंने क्या है, मैंने उसको छू लिया तो गेम ओवर हो गया, नहीं तो क्या है, देखो अब सिंपल, देखो अब मैं क्या फ्लाई कर रहा हूं मैं वायरस को, मेरा वायरस ऊपर नहीं जाएगा, बस नीचे निगेटिव में ही रहेगा, ध्यान देना इस बात को। मैंने पहले कहा है कि वायरस को मैंने किसमें निगेटिव वैल्यू में सेट करके रखा हुआ है। देखो टाइमर खत्म मेरा तो गेम होगा। तो किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को भी एनीवन, स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि ये क्लास अब फिर दोबारा नहीं होगी। तो किसी कोई डाउट है या किसी और चीज में डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो आप, एनीवन। क्लियर है हाँ क्लियर है सभी को, अच्छा। तो बस मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि देखो ये सब चीजें क्या है कि अभी आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई हुई, मैं मानता हूँ, बट फिर भी मैंने पूरा ट्राई करा है ये चीज समझाने की। सर भी हमारे साथ रेगुलर क्लास में है, तो आप सर से पूछ सकते हो कि डेली मैंने हर कोई एक नया गेम बनाया, ठीक है। मैं चाहता तो मैं बहुत बेसिक गेम भी सिखा सकता था आपको, बट मेरा टारगेट ये था कि मैं चाहता था कि आप लोग क्या है कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। तो इसमें इस गेम को मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि ये गेम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो कि मतलब हमें अच्छे गेम जो हम बनाएंगे तो उसमें क्या है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप प्लेनेट कोड में जाओगे तो जो मेरा फर्स्ट गेम है डाउज वर्ल्ड फायर, सेम कॉन्सेप्ट पूरा यही यूज हुआ है कि जो मैंने यहाँ पे यूज करा है, सेम कॉन्सेप्ट डाउज वर्ल्ड फायर में भी यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपको कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने वाई वेरिएबल क्यों चूज करा है, यहाँ पे चेंज वाई वेरिएबल क्यों लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाँ ड्रॉप्स का क्लोन मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें क्या है ऑलरेडी आपको पूरा क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज पेरेंट कोड को कंप्लीट कर लेना, और प्लीज मैं रिकॉर्डिंग सर को आज शेयर कर दूंगा सारी, तो आप प्लीज उस रिकॉर्डिंग से काफी कुछ सीख सकते हो। देखो मैं मंडे से क्या है सेकंड लेवल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सेकंड लेवल तब क्लियर होगा जब आपको फर्स्ट लेवल अच्छे से आएगा। तो कोई चीज होती है हमेशा लेवल वाइज है। क्या आप एकदम से मल्टीप्लीकेशन सीख गए थे, नहीं, पहले आपने टाइम टेबल याद करी उसके बाद आपने मल्टीप्लीकेशन को अपना करना स्टार्ट करा। वैसे ही देखो कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले क्या है, पहले आप ये समझो कि ये कंडीशन यहाँ पे क्यों यूज हो रही है, उसके बाद फिर हम गेम जब बनाएंगे छोटे से गेम, मैं ये नहीं कह रहा बहुत टफ टफ गेम बनाओ, आप सिंपल से गेम बनाओ, ठीक है। तो ऐसे करके हम सीख सकते हैं, ठीक है।
तो आज मैंने काफी ट्राई करा आपको सिखाने का, तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। और जब हम कस्टर्ड पूछ जाएंगे तो हम और अच्छे गेम्स, जो हमने कैंडी क्रश गेम खेला होगा और टेम्पल रन मारियो, वो सब हम गेम किस में बनाएंगे? कंस्ट्रक्ट टू में। ओके सो किसी को प्रॉब्लम? सर, यस सर ये जो गेम्स हम बनाएंगे, क्या हम इनको सेव कर सकते हैं? बिल्कुल सेव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने सबसे पहले नाम देना, सबसे पहले कि नाम तब दे सकते हो जब इसमें आप साइन अप करोगे, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने क्या दिया, दीपक कलदा कोरोना, ये मैं गेम का नाम दिया। फाइल में जाना है, ठीक है, सेव टू योर कंप्यूटर कर देना है, ठीक है। तो वो फाइल क्या है, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अभी देखो ये क्या है, ये .sbt करके आपकी फाइल सेव होगी। अब उसी फाइल को आपको लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। और वो फाइल केवल स्क्रैच में ही ओपन होगी, और किसी ना एंड्रॉयड में ओपन होगी ना किसी में ओपन होगी, वो केवल स्क्रैच के सॉफ्टवेयर। देखो वही जो मैंने फाइल करी है डाउनलोड, तो मैं उसको यहाँ से फिर से ला सकता हूँ, ठीक है। देखो फिर से पूरी फाइल आ गई और मैं वहीं से फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने गेम्स को काफी सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये सब क्या है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये आपको सीखनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा मतलब आगे करके अपना एक डेवलपर बनना है, कोडर बनना है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल रही है। तो आप प्लीज क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, और कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। और किसी को कोई डाउट, एनीवन? सर ये पर मेरी पहली क्लास है आज। अच्छा, पहली तो मुझे पता है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जब स्टार्टिंग करा था, तो मैंने काफी बच्चों से, सर से भी बोला था कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ऐड हो जाएं, बाकी मेरी रेगुलर क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, आप गेम ट्राई करना बनाने, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना सर के थ्रू। ओके सर। सो आई थिंक सर बताइए तो सर। सर चलिए ठीक है सर, सेशन एंड करते हैं ठीक है यहीं पे। सर जो रिकॉर्डिंग होगी आप मुझे ठीक सेंड है, कर देना, ठीक है, मैं इन लोग को भेज बिल्कुल सर, दूंगा। ठीक हाँ ठीक है है, स्टूडेंट, और आपको कोई भी ओके। हाँ प्रॉब्लम हो बेटा तो आप लोग सर से मतलब एकदम कांटेक्ट में रह सकते हो, मेरे से भी, मेरे के थ्रू रह सकते हो, और डायरेक्टली एक बार सर से भी बात करेंगे तो आप लोग उनके भी थ्रू कॉन्टेक्ट में रह सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, या तो मैं आप लोग को ग्रुप ज्वाइन करा रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो नाम दे देंगे मुझे, वैसे 11th में तो सभी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, तो जो जो है वो मुझे नाम दे देना, मैं आप लोग का एक अलग ही ग्रुप बना दूंगा, फिर तुम लोगों को जब होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लासेस चलती रहती है सर की। ओके असल में तो सर हम लोग हाँ स्कूल में यस सिखाते हैं, बताइए लेकिन क्या होता है इस बार थोड़ा सा टफ हो गया सिचुएशन, ठीक है सर, ये तो सर हम लोग ओके। स्कूल में आप लोग को बताते हैं, वो ज्यादा क्लियर हाँ रहता बिल्कुल, कुछ बच्चे ने मेरी क्लास अटेंड भी करी होगी। जब मैं क्लास सेशन लेने आया था तो कुछ है। बच्चों ने ज्वाइन भी करा होगा सेशन। सचिन सर भी आए थे, मैं भी आया था, कुछ आपको चीजें बताई थी। तो ये सब चीजें क्या है, इन फ्यूचर जो यूज हो रही है वो चीज आपको यहीं मिल रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो आपको टेक्नोलॉजी लैब प्रोवाइड करी है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है कि आपको एक ऑलराउंडर बनाना है, ना कि केवल आप एक सीमित उसमें अपने जो ज्ञान है जो आपके अंदर, ठीक है, वो सीमित रहे। आपका जो भी नॉलेज है वो स्प्रेड हो, या तो रोबोटिक्स में हो, या प्रोग्रामिंग में हो, या कोई 3D डिजाइन, यानी डिजाइन, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है तो पेंटिंग क्या है, पेंटिंग आप जो भी देखोगे वो क्या है, 3D डिजाइन है, पेंटिंग बन रही काफी अच्छी चीज। तो 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर बहुत एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, उसमें हम 3D डिजाइन बनाते हैं। और 3D डिजाइन आप तो आप देख ही सकते हो कि मैंने देखे काफी स्कूल के बच्चों ने 3D मास्क डिजाइन करे हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि आप जब तक फैमिलियर नहीं हो गए इन सब चीजों से, आप नहीं मतलब ये सब चीज कर सकते हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज देखो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जरूर मेरी क्लास में आए, वो ज्वाइन करें, और उनको हमेशा मेरी क्लास से कुछ ना कुछ वो गेन करके जाएंगे, लॉस करके कभी नहीं जाएंगे। कि आप कुछ लॉस हो, हमेशा कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे मेरी क्लास से। तो स्टूडेंट्स अब मैं यही कैंड करूँ क्लास, किसी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। 2 मिनट है अपने पास, 2-3 मिनट अभी, किसी कोई भी डाउट किसी भी चीज का। कोई डाउट आई बेटा आप थिंक लोग का, किसी का नहीं कोई डाउट, ठीक है, जैसे आप लोग गेम कंस्ट्रक्ट करोगे उसमें कोई भी डाउट आया ना तो आप मुझसे पूछ लेना, और मैं आपके जो भी डाउट होंगे सर के थ्रू मतलब सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको एकदम क्लियरली आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सर ग्रुप कब बनेगा? ग्रुप अभी अभी बोलो तो अभी बना दो, लेकिन 12 का
काफी मतलब ठीक है, अभी बना दे रहा हूँ मैं, 11th के बच्चों को भेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। मैंने दो वीडियोस भेजे हैं 11th बी में, मुझे 11th ए, 11th सी, 11th डी में भेजो, मतलब ग्रुप ज्वाइन कराओ तो मैं आप लोग को ग्रुप में इनवाइट करूँ, ठीक है? समझ आ गया? ठीक है ठीक है, मैं आप सबको भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग ऐड कर लेना अपने आप को, ठीक है, मैं इनविटेशन आप लोग को भेज दूंगा। ओके सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ए सी डी में, थैंक यू सर, बी में एडेड हूं मैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो ठीक है, बाय 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 बेटा, चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो सर मैं क्लास को फिर हमारी क्लास क्लासेस वाइज क्रैश कोर्स मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, अब हम इंटरमीडिएट मॉड्यूल जो अपना कोर्स से कंस्ट्रक्ट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या है कि प्लीज बच्चों पहले आपको स्क्रैच कोर्स कंप्लीट कर लेना, वीडियोस कम से कम, अगर आप नई गेम बना रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो देख के यहाँ पे कुछ हिंट ले लेना, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा कंस्ट्रक्ट टू तो वो क्या है इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है, कैसे उसमें करने, हाँ यूनिटी भी कोर्स में सिखाऊंगा, बट पहले कंस्ट्रक्ट टू कंप्लीट होगा उसके बाद में यूनिटी सिखाऊंगा, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू बेटा आप लोग को, थैंक यू सर। आप कहाँ डालोगे मतलब वीडियोस? वीडियोस मैंने 11th बी में दो डाले हैं अभी, ठीक है, देखना वो 10th के जो सर ने 10th के लिए बनाए थे और 9th के लिए बनाए थे, ठीक है, काफी अच्छा अच्छा काम किया। यस सर है, एक साइड शेयर करता हूँ तुम लोग को, ठीक है, वो हम लोगों ने मतलब 9th के बच्चों ने बेसिकली 9th 8th के बच्चों ने इस पे गेम्स बनाए हैं, देखना इतना अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हैं। मैं एक लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, यूट्यूब का लिंक है, वो वेबसाइट पे वो बेसिकली वही चला रहे हैं 9th 10th वाले, तो ये जो 11th बी में मैंने डाला है 11th ए 11th सी 11th डी में शेयर कर देना, ठीक है। 11th बी में कौन है, कोई है एनीवन फ्रॉम बायो? बायो में हो ना, ठीक है, 11th ए में किसी तरीके से कांटेक्ट कर तुमको ये लिंक शेयर करो, ठीक है, 11th ए 11th सी और 11th डी कॉमर्स में भी ह्यूमैनिटीज में भी, ठीक है, ये दोनों मैंने, और एक मैं वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, उन्होंने बच्चों ने बनाया है काफ़ी अच्छा, मतलब ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है, मैं तुम लोग को लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है चलो अभी रखता हूँ, बाय सबको, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू।